बाद जो है मुझे नाश्ता पका लिया। आज मैं पराठे बनाऊँगी। मैं बाहर का नाश्ता खा खा के थक गई, सोचा कि मैं आज जो है घर में ही बना लूँ। अभी मैं घर में पराठे बनाऊँगी, उसके बाद जो है आपको मैं दिखाती हूँ। अब रात को मैंने अपना ब्लैंकेट निकाल लिया था। मुझे लगता है कि मुझे लग रहा है अभी सर्दियाँ आ रही हैं। रात को इतनी सर्दी होती है, अल्लाह बहुत सर्दी लगती है रात को। इसलिए जो है मैंने जल्दी जल्दी हेलमेट ने वो हेलमेट खोल ली, ब्लैंकेट निकाल ली। अब मैं किचन में आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आटा गूंद के रखा हुआ था, थोड़ा सा आटा बचा है तो उसके मैं पराठे बनाऊँगी। बाकी शायद रात की एक रोटी है, उसको मैं जो है वो तल लूँगी। अभी इसमें चाय पकानी है तो चाय पका रही हूँ मैं। चाय जो है वो चूल्हे पर रख दी, अब ये जो पकती रहेगी इसके बाद जो है मैं जब तक ये पक रही है मैं पेड़े बना लेती हूँ पराठों के। पहले रोटी बेल दी है, अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा नमक, ये नमक डाल के अब हम इसको ऐसे बनेंगे। अब ये पकड़ के यूँ फिर यूँ इसको जो पकड़ के दबा लेंगे, लंबा कर लेंगे एकदम सांप की तरह, सांप ही सांप। फिर इसको यूँ पकड़ के घुमाएंगे, फिर यूँ पकड़ के इसको जो बीच में देंगे। ये हमारा बन गया पराठे का पेड़ा। तीन पेड़े तैयार हो गए, तीन पराठे पकाऊंगी मैं। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरे पराठों की शक्ल कैसी आती है। एक पराठा मैंने पैन में डाल दिया है और ये इस तरीके से इसकी शक्ल आ रही है। तो मुझे पराठे की एक चीज़ समझ नहीं आती कि इसको जितना पका लो ये कच्चा ही रहता है, पता नहीं ये क्या मसला है इसके साथ। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, तीन पराठे। अभी मैंने कौन चीज़ बनाई है, प्याज और हरी मिर्च वाले लहसुन का जो बनता है। अब ये चाय हमारी जो है वो फेमस में है। सब नाश्ता रेडी है और ये बादाम है मेरे हस्बैंड के, सब रेडी हो चुका है, बस उन्हीं का वेट है। मैं बना रही हूँ आलू के चावल। तो मैं आपसे आपके साथ रेसिपी नहीं शेयर कर सकी क्योंकि हमारी लाइट नहीं हुई थी। तो अब लाइट आई है तो मैं आपको ये मैंने दिखाया रेसिपी जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी किसी और ब्लॉग में। तो खाना पकाने के बाद मुझे थोड़े से और काम करने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या करूँगी। मैं चटनी बना रही हूँ, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला है और नमक, साबुत मिर्चें, लाल साबुत मिर्चें और एक जो है ना लहसुन डाला है। तो इसको पीस के इसकी मैं चटनी बना रही हूँ और बाकी आलू वाले चावल। शाम हो रही थी, सोचा थोड़ी सी चाय पका लूँ मैं, इतनी चाय पक रही है। और बाकी ये गोश्त निकाल के रखा है, शायद हमारे घर दावत हो अभी कुछ दिन बाद तो उसके लिए जो है गोश्त निकाल के रखा है, धो के साफ़ करके सब हिस्से बना के फिर फ्रिज में रखूँगी। और बाकी ये जो आज मैंने खाना बनाया था वो चावल तैयार हो गए हैं मेरे आलू के। और बाकी अभी शाम के टाइम में तो हम चाय पियेंगे, उसके बाद फिर आगे आगे देखते होता है क्या। ये तो रजिया गुंडों में फंस गई, दो दो गुंडे। शाम को ना खाना पकाना है, वो भी बकरे का गोश्त, 2 घंटे लगते हैं उसको गलने में। अरे फारिक बैठे थे सारे काम करके तो सोचा क्यों ना पबजी खेल लिया जाए। यहाँ विंडो में ही खड़ी हुई थी, अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, पता नहीं कब आएंगे वो, इतनी देर हो गई। तो मैंने एक चीज़ देखी, ये देखे मैंने सोचा मैं कैप्चर भी कर लूँ। ये देखे, ये शायद ये टिड्डा बैठा है, आपको दिख रहा हो, ये देखें इसके जो है ना इसका पर टूटा हुआ है, 2 पर टूटे हुए इसके ना, बिल्कुल खिड़की के पास ही बैठा हुआ है। ये देखें,
ये हल्का सा नीचे से आपको नज़र आ रहा होगा, वो उधर से लाइट पड़ रही है ना, ये देखें, पर टूटे हुए, इसके नीचे वाला भी टूटा हुआ है और ऊपर वाला भी टूटा हुआ है बेचारे का, पता नहीं कैसे टूट गया, ये देखें। लोग आ गए इधर तो देखे, हाय व्लॉगिंग, अस्सलाम वालेकुम। कितने मट्टी मट्टी मारे आप, पहले ही आ जाते लाइट आ जाती, लाइट आ गई हो तो। आज का दिन का अहवाल ये था कि जुमे की नमाज़ पढ़ी, जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं घर गया अपने जो दूसरा मेरा फ्लैट है, और वहाँ जाके मैंने मीटर, जो बिजली का मीटर है, उसकी वीडियो बनाई एक शॉट, और अपना बिल लेके मैं पहुँच गया कि इलेक्ट्रिक ऑफिस। बिल्कुल सब नॉर्मल था वहाँ पे, लोग आए हुए थे अपने जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं उसको रीन्यू कराने के लिए, ताकि वो जो टैक्स हटाए नए बिल हासिल कर लें। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, यकायक ये हुआ कि एकदम से कुछ जो है वो हमारे चार पांच बाशिंदे आए ब्लैक कपड़ों में, और आके उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू की और वो हंगामा आराई शुरू की कि बस कहते ना आसमान सर को उठा लिया। और जो लोग थे वहाँ पे खड़े हुए वो भी मुश्तैल हो गए जब उन्होंने देखा ना कि तोड़ फोड़ शुरू हो गई है, तो आम आवाम जो थी वो भी उसमें शरीक हो गई और सब ने तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराओ, टायर जला दिए, गाड़ी को मतलब जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ी थी वो तोड़ दी, उनके ऑफिस दरवाजे वगैरह सब खिड़कियाँ उखाड़ दी, ऊपर छत पर चढ़ गया, पता नहीं क्या क्या मतलब सब कुछ हो गया। तकरीबन दो घंटे तक मैं वहाँ देखता रहा, चलता रहा, मैं ऐसे वीडियो शूट कर रहा था, अभी आपके साथ शेयर भी करूँगा कुछ उसकी झलकियाँ। तो असल काम जो है जिस मकसद के लिए मैं गया था वो मेरा काम नहीं हो सका। तो मेरा जो मसला है वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस तो हैं, वो तो होंगे ही, माफ के अलावा जो है जो इन्होंने बंद घर पर बिल लगा के भेजा है, मतलब जो मीटर रीडिंग है उस पर रीडिंग कुछ और है, बिल के ऊपर रीडिंग कुछ और है, तकरीबन 125 यूनिट का फ़र्क है। 125 यूनिट जो इन्होंने लगा दी है मेरे घर पे, जिसकी बिजली यूटिलाइज नहीं हुई, वो मुझे जो है ना सही कराना था, जो कि मैं नहीं करा सकता। तो बाकी उसके बाद फिर मैं ये माइक ख़रीदने के लिए मार्केट गया, मैंने अपना जो रूटीन है टीचिंग वगैरह वो मैंने की, काफ़ी सर्च करने के बाद ये मैंने जो है वो बहुत ही मुनासिब पैसों में जो है वो हासिल किया। 2200 से रेट स्टार्ट हुए, कोई 2200 का दे रहा, कोई 1800 का, आखिर में आके मैंने 1500 का जो है परचेज किया, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल है और इसका रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर है। जो और जो बिल्ट इन माइक होता है मोबाइल का, उससे काफ़ी बेहतर इसका रिज़ल्ट है। और आप लोग बताइएगा कि वॉइस के अंदर कुछ फ़र्क है या नहीं। रिकॉर्ड करिए और अब ये वीडियो रिकॉर्ड करके कैसे खाना भूख के बहुत भूख लग रही थी, सारा दिन से भूखे थे, जल्दी जल्दी से खाना खाने लग गए। When I went to Madras Shop electric office and there are a lot of people who spreading tires on the road, a lot of stones like them, it are big stones on the gate of the, you know, so I'm laughing. So I have a doubt why people do such activities like they can be shift their mind, they can be अच्छे कैमरे से बना रहे, but I don't know why people do a lot of such pathetic activities in front अच्छा of लग रहे in front of sophisticated societies, you know there are a lot of residential houses over there, so people have disturbed with this violence. So I think the main issue is to resolve the problem rather than to take सो गाइज, ये है नहारी का गोश्त, पाँव का स्पेशल गोश्त, बकरे किया ताज़ा कर रहे हैं सबसे जो मुश्किल काम होता है वो गोश्त धोना होता है, क्योंकि इसमें आपकी ये पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं हो रहा है, नीचे तुम कोई रख लो गड़ा पानी वैसे शॉर्ट कर लें, बाहर लाएंगे उसमें। सो गाइस, फी अमानिल्लाह, अब इजाज़त है, कल व्लॉग में दोबारा आपसे इसी चैनल पे मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बाय बाय।